जैसे हम लोग देख रहे थे आमतौर पर कि जनता जनार्दन भूखी है या लोग गरीब परेशान हो रहे हैं, तो उनके सेवा में बहुत सारे लोग, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या सरकार के द्वारा पीने सारी से खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध हो जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा निरीह जो है वो है गाय बैल, खुले में घूमने वाले सांड, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी आदि को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पहल किया और हम लोगों ने इनिशियल लेवल पर 40 पॉइंट को स्टार्ट किया था। अभी तो 50 केंद्र हमारे चल रहे हैं और सभी में प्रतिदिन एकदम ससमय पशु चारा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। दिन भर टब में पानी भरा रहता है ताकि कोई भी पशु पक्षी प्यासा नहीं रहे। उसके अलावा हम लोग कुत्तों के लिए भी रोटी का इंतजाम करके जो आसपास के घरों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो फीडिंग सेंटर्स है उसके आसपास हम लोग कुत्तों के लिए भी रोटियों का व्यवस्था कर रहे हैं। और जो हम लोग चोकर डालते हैं, दर्रा हम लोग डालते हैं जानवरों के लिए, उसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत चिड़िया वगैरह के लिए भी अपील करते रहते हैं कि आप चिड़िया वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत दाना का व्यवस्था करते हैं। और हम लोग अपने अपने घरों पर जितने भी चैम्बर के सदस्य हैं सभी लोगों ने यह प्रण लिया है और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग विभिन्न स्वयंसेवी संस्थान खास कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें हम लोग की मदद कर रहा है। उन लोगों ने जगह जगह पर फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर पशुओं के लिए चारा रख रहे हैं और तपोवन और त्रिकूट में भी काफ़ी सारी एनजीओस के माध्यम से बंदरों के लिए भी चना और केला और ये सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से जानकारी मिल रही है लोगों के सहयोग से, ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से, चैम्बर के सहयोग से हम लोग इसको कर रहे हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। ये अभी हम लोग ने संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गौ सेवा का काम स्टार्ट किया है जो लगभग पूरे नगर निगम क्षेत्र में 50 पॉइंट को चूज किया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पॉइंट दिया गया है। और इस पे हम लोग चोकर और नारा और गुड़ ये सब की व्यवस्था, जो भी गाय जो जिनको खिलाने वाला कोई नहीं है और जो लवारिस गाय हैं उनके लिए ये सुविधा, और जो गाय हैं सांड हैं जो रोड पर घूमते रहते हैं उनके लिए ये सेवा स्टार्ट किया गया है, जो ये सेवा अभी पूरे लॉकडाउन पीरियड तक ये चलते रहेगा। क्या क्या अवेलेबल कराते हैं गाय लोगों को? गाय लोगों को जैसे चोकर हो गया, नारा हो गया और गुड़ मिला करके उनको भोजन दिया जाता है।